अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं सिटी कैमरा पॉइंट शॉप पर मौजूद हूँ। DSLR की इनकी शॉप है ये राजे बाजार में। तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास DSLR कौन से कैमरा यूज़ में अवेलेबल है या नए कौन से हैं, और या DSLR की जो भी एसेसरीज़ हैं वो कौन कौन सी है और कौन सी प्राइस में है। तो चलिए इनसे पूछे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद सुभान। अच्छा, मोहम्मद सुभान साहब है। तो इनसे पूछते हैं सर आपके पास यूज़ में DSLR कौन से अवेलेबल है? सर यूज़ में हमारे पास काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। बेसिक को लेके बेसिक से स्टार्ट होके प्रोफेशनल तक मिल जाएंगे। बेसिक के अंदर अगर स्टिल फोटोग्राफी में चाहना चाहे, यानी बिल्कुल ही लो बजट, मतलब जो वीडियो ना बनाए सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी करे, वो भी मिल जाएगा आपको 15 से 20 की रेंज में। ठीक है। अच्छा, इससे आप थोड़ा सा बेहतर चाहे, आप कह रहे हैं कि वीडियो भी हो और स्टिल भी हो, तो फिर इसमें 30 से 35 की रेंज आती है, मिड रेंज, जिसमें 3100 ये 25 की रेंज से स्टार्ट होता है। ठीक है। इसमें 3100 3200 3300 ये कैमरे 3400 आ जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं व्लॉगिंग कैमराज जो आजकल यूज हो रहे हैं सबसे ज्यादा। इसके अंदर 600D बहुत यूज होता है। ठीक है। 700D 200D 250D ये है। 250D ब्रांड न्यू है, वो थोड़ा कॉस्टली है। इन बजट अगर आप बात करें लो बजट के अंदर व्लॉगिंग कैमरा, तो आपको जो है ना अच्छा 40 से 50 के दरमियान अच्छा कैमरा मिल जाएगा। ठीक है। जिसमें 600D मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। 700D रिकमेंडेशन की वजह ये है कि 700D और 600D में फ्लिप आउट LCD के साथ साथ एक्सटर्नल माइक का पोर्ट भी है। सही है। और वीडियो में भी ऑटो फोकस काफ़ी बेहतर, वीडियो में भी ऑटो फोकस 700D में जो कि बहुत बेहतर है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल स्टिल फोटोग्राफी में। प्रोफेशनल के लिए अगर आप कम बजट में चाह रहे हैं, तो प्रोफेशनल के लिए आपको 60D मिल जाएगा, जो तकरीबन 50 की रेंज तक 18-55 लेंस के साथ 50-55 में अच्छा साफ कैमरा मिलेगा। ये जो मैंने आपको भी प्राइजेस बताई हैं, ये मैंने उन कंडीशन की बताई हैं जो 10x10 है। यही अगर कैमरे रफ कंडीशन में हो तो सस्ते हैं, लेकिन मैं रफ कंडीशन किसी कस्टमर को रिकमेंड नहीं करता। अच्छा सर, ये देखें, ये है कैनन का 600D। इसकी कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी किस तरह की 10x10 कंडीशन है। ये एक 10x10 कंडीशन है, STM 18-55 लेंस है। इसके साथ ये आपको मिल जाएगा 40,000 का। ठीक है। इसके बाद आ जाता है 700D। ये 700D भी अगर आप STM लेंस के साथ, क्योंकि ये बेहतर रहता है, तो उसके साथ लेना चाहें, तो इसकी भी कंडीशन 10x10 है। ये आपको तकरीबन 45-44 तक का मिल जाएगा अच्छा कैमरा। फिर नायकन में अगर आ जाएँ, तो नायकन के अंदर D5300 बहुत अच्छी मशीन है, स्टिल फोटोग्राफी के लिए भी और वीडियो के लिए भी काफ़ी बेहतर है। एक्सटर्नल माइक है, फ्लिप आउट LCD है और शार्प रिजल्ट है इसका। तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 42 तक का। इसी तरह अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, कैनन का मेरे पास 60D अवेलेबल है। ये बिल्कुल साफ सुथरी बॉडी है, 10x10 100 शटर काउंट है इसका, यानी यूज़ भी नहीं हुई ये बॉडी। आपको माइक लगता है या नहीं? जी लगता है, बिल्कुल लगेगा। ये प्रोफेशनल बॉडी है, इसके ऊपर भी छोटी देखें LCD है कंट्रोल्स के लिए। ये है 48 की खाली बॉडी है, अगर 18-55 लेंस इंक्लूड करें तो 52-53 तक पड़ जाएगी। अब आते हैं नए कैमरों की तरफ। तो नए कैमरों के प्राइजेस मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, क्योंकि वो पैक करता हूँ दिखा तो मैं सकता नहीं हूँ। तो कैनन का 250D है ब्रांड न्यू, जो अब बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है 4K ऑप्शन के साथ, वो आपको मिल जाएगा 80,000 का। फिर 200D है 72,000 का। 80D प्रोफेशनल में जाएँ तो वो है 1,20,000 रुपये की बॉडी है। इसके अलावा बेसिक में आ जाएँ तो कैनन का 2000D है, 1500D है, 45 से 50 की रेंज में ये कैमरे हैं। अच्छा सर, आगे एक्सेसरीज की तरफ चलें, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ बेसिक चीज़, जो बेसिक चीज़ कैमरों की है वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड्स भी हैं हमारे पास हर स्पीड के अवेलेबल है। ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 95 MB स्पीड है। इसके अलावा आप इससे हाई स्पीड में जाना चाहें 170 स्पीड के भी, उनकी प्राइजेज स्पीड के हिसाब से वेरी करती हैं। अगली चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है बैग्स। ये नीचे आपको सामने नज़र आ रहे होंगे बैग्स लगे हुए कैनन और निकॉन के, बेसिक है चीज़ है, जो कि 1500, 1800, 2000 के अंदर एक अच्छा बैग मिल जाता है, जिसके अंदर एक्सेसरी काफ़ी आ जाती है। उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा LED लाइट्स। ये वीडियोग्राफी के लिए यूज़ होती है, जो इंडोर जिस तरह कोई शूटिंग करते हैं, या आउटडोर वीडियो वेडिंग इवेंट होगा, या किसी भी इवेंट के लिए, या आप कैमरों के ऊपर माउंट होती हैं LED लाइट्स, इनकी बहुत अच्छी सॉफ्ट लाइट होती है। इसके बाद अगर आप आना चाहें तो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर ये माइक लगे। अच्छा सर, तो प्राइस अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हो जाती है, इसकी प्राइस 3000 से स्टार्ट होकर मेरे पास 5500 तक है, जिसमें सबसे अच्छी लाइट मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये मिल जाएगी आपको 3600 रुपीज़ की। इसकी 520 LEDs हैं, इसकी 4200 प्राइस है, इसकी
4800 प्राइस है, इसकी 4000 प्राइस है, ये जो पड़ी हुई है ये वाली LED आपको मिल जाएगी 3000 रुपए की। इसके बाद हमारे पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे माइक्स वगैरह, तो ये माइक्स देख सकते हैं, ये व्लॉगिंग माइक्स हैं जो कैमरा के ऊपर माउंट होते हैं। MM1 पड़ा हुआ है, लेंस गो का है। अच्छा, लेंस गो का माइक जो है ये आपको मिल जाएगा 2600 रुपए का, MM1 मिल जाएगा आपको 3200 रुपए का, बोया का M1 मिल जाएगा आपको, कॉलर माइक बोया का M1 आपको मिल जाएगा तकरीबन 1800 रुपए का, लेंस गो का M1 आपको मिल जाएगा 1300 रुपए का। ठीक हो गया। और वो जो रोड के कोई पड़ा है? रोड का एक ही माइक पड़ा हुआ है। अच्छा, वो कौन सा है? सर इसके अलावा रोड का एक वीडियो माइक पड़ा हुआ है, गो माइक, ये आपको मिल जाएगा 11000 रुपए का। अच्छा, सुभान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन DSLR के हवाले से दी है। तो सर आप अपनी शॉप के हवाले से बता दें कि आपकी शॉप की लोकेशन क्या है और टाइमिंग क्या है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में क्या टाइमिंग है आपकी? तो सर अभी लॉकडाउन की वजह से टाइमिंग थोड़ी अपसेट है। इस टाइम हमारी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की टाइमिंग है। ठीक है। और हमारी जो शॉप है सिटी कैमरा पॉइंट जावेद कैफ़े इम्पीरियल मार्केट के पास लियाकत रोड पे हैं, जो कि बहुत फेमस है जावेद कैफ़े। अगर किसी को आना हो तो जावेद कैफ़े का, तो मैं उन्हें बाहर से रिसीव भी खुद कर लेता हूँ। अच्छा, तो सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो आप व्यूअर्स में भी जिसको भी अगर DSLR के हवाले से कोई एक्सेसरी चाहिए या कैमरा चाहिए तो आप इनकी शॉप पर आ, अच्छा गाइड आपको करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर।